नमस्कार प्रणाम, मैं विजय रिपोर्टर आप सबका भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली से एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, जो कि शादी के झांसा देकर के उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसको पैसा लूट लिया, उसके बाद उसको बीच रास्ते में छोड़ करके चला गया है और पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। वो FIR दर्ज करने के लिए जा रही है, उसके साथ गलत हुआ है लेकिन कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है, ना ही पुलिस मदद कर रहा है, ना ही कोई प्रशासन मदद कर रहा है। लड़की दर दर ठोकर खा रही है। अब जाकर के मैं उसको वीडियो मंगाया हूं, जो कि मैं 3 महीना पहले से उनको मैं जान रहा हूं, और 3 महीना पहले से मैं प्रशासन का नंबर निकाल करके मैं कोशिश कर रहा हूं उसको कि बात करे और उसका FIR दर्ज हो, लेकिन प्रशासन बोल रहा है पैसा वगैरह लगेगा क्योंकि वो लड़की के पास पैसा नहीं है और दर दर की ठोकर खा रही है लड़की, जो कि आप सबको मैं दिखा रहा हूं उसका वीडियो, और आप देखिए और शेयर करिए इस वीडियो को ताकि प्रशासन और दिल्ली सरकार तक पहुंचे ये वीडियो। धन्यवाद, और इनको मदद करने के लिए आगे बढ़िए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे साथ गलत हो रहा है। एक्चुअली एक लड़का था, मुझे शादी का झांसा दिया कि मैं शादी करूँगा। उसके घर वालों से बात हुई, सब कुछ हुई। उसके घर वाले भी बोलते थे कि यहाँ पे शुरू में इतने अच्छे से बात करते थे। उसके बाद मुझे मारने पीटने लग गया, उसके घर वाले दहेज का डिमांड करने लग गए, हर चीज़ कभी इतना पैसा दो कभी उतना दो, मारना पीटना। इतने 2-3 महीने से थाने में चक्कर लगा रही हूँ, कोई मेरे सुन ही नहीं रहा, FIR दर्ज भी नहीं कर रहे, इसलिए मीडिया का सहारा ले रही हूँ मैं। और मुझे पूरी तरीके से ये घोषित कर दिया है कि सोशल मीडिया में मेरा फोटो, मतलब मेरा नंबर डाल के, ठीक है, और क्या कहते फ़ोटो किसी और का डाल के बिल्कुल ही कॉल करी बना दिया मुझे। बार बार कॉल आता है मेरे को, परेशान कर रहे हैं लोग कि हाँ तू ऐसे ये है वो है, मतलब कॉल करके बार बार हैरेसमेंट कर रहा है, पर कोई मेरा मदद नहीं कर रहा, कोई मुझे मतलब सुन ही नहीं रहा है कोई मेरे बारे में। थाने जा के थक चुकी हूँ, कोई भी नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूं? प्लीज़ आप लोग मदद कीजिए मेरा, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ हो। कोई इतनी पुलिस वाले भी इतने बदतमीजी से मेरे साथ पेश आ रहे, ना मेरा FIR दर्ज कर रहे ना कुछ कर रहे, और उसने पूरा मुझे बदनाम कर दिया है, सोशल मीडिया में डाल दिया है। क्या करूँगी क्या नहीं? अब पहले शुरू में उसके घर वाले बोलते थे कि हम शादी करवाएंगे, तुम्हारे तो तुम्हारे अपने आप का अनात्मा सोचना, तुम्हारे माँ बाप नहीं है। अब क्या हो गया? अब मतलब ऐसे हैरेसमेंट कर रहा है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मैं क्या करूँ? कोई मेरा हेल्प तक नहीं कर रहा, मैं इतना परेशान हो रही हूँ। उस लड़की ने मेरे हर टाइम पैसा इतना टॉर्चर करना, मारना पीटना। प्लीज़ आप लोग हेल्प कर दीजिए मेरा, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। प्लीज़ मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, कोई मेरा सुन भी नहीं रहा, बिल्कुल नहीं सुन रहा मेरा, बिल्कुल परेशान हो रही हूँ। बार बार कॉल आता है मुझे कि क्या है नहीं है, तुम्हारा भी यहाँ से नंबर मिला, सोशल मीडिया जरिए मेरे को ऐसे कॉल कर बना दिया। आप लोग बताइए मैं क्या करूं? आप लोग मदद कीजिए प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ। पुलिस वाले भी उनकी से सुनते जो पैसे देते हैं, हम लोगों को तो सुनते नहीं, मारने का धमकी दे रहे मुझे, उसके घर वाले सब जान से मार देंगे, ये कर देंगे, मुझे हैरेसमेंट करा जा रहा है, जो चीज़ नहीं वो चीज़ कर रहे हैं। उसके घर वाले डिमांड करते हैं दहेज का, इतना पैसा दो उतना पैसा दो, मैं इतना पैसे वाली तो हूँ नहीं जो मैं इतना पैसा दे पाऊँ। उसके घर वाले कहते इतना प्यार करते हो तो इतना इतना लाख दो, ये दो वो दो, मेरे पैसे मेरे होते हुए मेरे पीठ पीछे कितनी लड़कियों को लूट लूट के, मुझे नहीं पता था कि ये लड़का ऐसा है और मेरे साथ ऐसा करेगा।
उसके पापा ने खुद बोला था कि मैं शादी करवाऊंगा बेटा, घर आ जाना। अब तो वो भी नहीं है बिल्कुल भी। मुझे धीरे धीरे मारना पीटना, इतना मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, और ऊपर से पुलिस वाले मेरा साथ नहीं दे रहे। इतने महीने से थाने भाग रही हूँ, कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा। मैंने कहा सर जो मेरे साथ हुआ है किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने इतना प्रॉब्लम झेला है, मुझे इतना टॉर्चर किया गया है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि पैसे कोई बात नहीं, वो पैसे लेके चला गया, पर मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ हुआ। प्लीज़ इसलिए आप लोग मेरा हेल्प कीजिए, ठीक है? प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा मदद कीजिए। कोई मेरा नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं, सब लोग मुझे टॉर्चर ही करे जा रहे हैं, यहाँ तक पुलिस वाले भी। क्या बताऊँ मैं, कोई भी नहीं सुन रहा, बिल्कुल नहीं सुन रहा। बार बार हेरसमेंट कर रहे हैं मुझे, कॉल कर घोषित करके रख दिया मुझे। आप लोग बताएं मैं क्या करूं, कोई नहीं सुन रहा मेरा, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस वाले तक नहीं सुन रहे हैं, 3 महीने से भाग रही हूँ, FIR दर्ज भी नहीं कर रहे। मैं क्या करूं, बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं, अलग अलग नंबर से कॉल कर करके, मेरा नंबर सोशल मीडिया में डाल के मुझे कॉल कर बना दिया, और खुद तो भाग गया। क्या करूँ तो क्या करूँ, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मेरी मदद कीजिए प्लीज़। मैं बहुत परेशान हूँ, मन कर रहा है मैं जान दे दूँ, खुद को मार दूँ, पर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ करूँ।